ये है नंबर दूसरा। चुनाव में फर्जीवाड़े का सबसे बड़ा सबूत देखिए, ये है तीसरा नंबर का है। ठीक है, मैं डाल रहा हूँ वोट, देख लो तीसरा नंबर है। बीजेपी समर्थक ने डाल दिए 8-8 वोट, यह चौथा नंबर आ जाएगा। ईवीएम में इससे बड़ी गड़बड़ी और क्या होगी, ये है तीसरा नंबर का है। ठीक है, मैं डाल रहा हूँ वोट, देख लो तीसरा नंबर है। इन तस्वीरों को ध्यान से देखिए, ये तस्वीरें देश में हो रहे लोकतंत्र के पर्व के साथ सबसे बड़ा मजाक है। ये है नंबर दूसरा। लोकसभा चुनाव के पांचवें चरण का मतदान आज 49 शहरों में हो रहा है। इस बीच एटा से एक शॉकिंग मामला सामने आया। सोशल मीडिया पर एक शख्स ने वीडियो पोस्ट किया है जिसमें वो एटा में एक पोलिंग बूथ पर 8-8 बार मतदान करने का दावा कर रहा है। इतना ही नहीं, उसने हर बार का वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर अपलोड भी कर दिया। देखिए कैसे ये लड़का बार बार बीजेपी का बटन दबाकर वोट डाल रहा है। ये है नंबर दूसरा। ये है तीसरा नंबर विवेक का है। ठीक है, मैं डाल रहा हूँ वोट, देख लो तीसरा नंबर है। चौथा नंबर आ जाएगा। देखते ही देखते ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। 2 मिनट 20 सेकंड के इस वीडियो में इस युवक ने हर बार मतदान को रिकॉर्ड किया और कमल के निशान के आगे का बटन दबाया। विवेक का है। ठीक है, मैं डाल रहा हूँ वोट, देख लो तीसरा नंबर है। तीसरा। विपक्षी पार्टियों ने इस वीडियो को शेयर करते हुए चुनाव आयोग से कार्रवाई की मांग की। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने यह वीडियो शेयर करते हुए ट्विटर पर लिखा, अगर चुनाव आयोग को लगे कि ये गलत हुआ है तो कुछ कार्रवाई जरूर करे, नहीं तो भाजपा की बूथ कमेटी दरअसल लूट कमेटी है। वहीं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी इस बारे में ट्विटर पर लिखा, अपनी हार सामने देखकर भाजपा जनादेश को झुठलाने के लिए सरकारी तंत्र पर दबाव बनाकर लोकतंत्र को लूटना चाहती है। कांग्रेस चुनावी ड्यूटी कर रहे सभी अधिकारियों से ये अपेक्षा करती है कि वो सत्ता के दबाव के सामने अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी न भूलें, वरना इंडिया की सरकार बनते ही ऐसी कार्रवाई होगी कि आगे कोई भी संविधान की शपथ का अपमान करने से पहले 10 बार सोचेगा। जैसे ही विपक्षी नेताओं ने इस मुद्दे को उठाया तो चुनाव आयोग भी हरकत में आ गया। अब खबर है कि आरोपी लड़के को गिरफ्तार कर लिया गया है। 8 बार वोटिंग करने वाले युवक की पहचान कर ली गई है।
ये खिरकिया के पमरान गांव का रहने वाला है। आरोपी का नाम राजन बताया जा रहा है। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। वहीं चुनाव आयोग ने आगे के चुनाव के लिए मतदान केंद्रों पर सख्ती बरतने के लिए कहा है। आयोग ने मतदान दल के सभी सदस्यों के प्रति कार्रवाई की बात कही है और साथ ही इस मतदान केंद्र पर दोबारा वोटिंग भी कराई जाएगी। लेकिन इस वीडियो के सामने आने के बाद ये सवाल तो पूछा ही जा रहा है कि अब तक इलेक्शन कमीशन ने इस मामले में कोई कार्रवाई क्यों नहीं की थी। ये लड़का कैसे बूथ पर जाकर 8-8 बार वोट डालने में कामयाब हो गया और चुनाव ड्यूटी में लगे लोगों ने इससे रोका क्यों नहीं, और क्या इसी तरह से तमाम बूथों पर गड़बड़ी की जा रही है। ये है नंबर दूसरा। ये है तीसरा नंबर, विवेक का है, ठीक है, मैं डाल रहा हूँ वोट, देख लो, तीसरा नंबर है। अगर ऐसे ही वीडियो सामने आते रहे तो फिर भला लोकतंत्र पर जनता का भरोसा कैसे होगा। इस बारे में आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर लिखें। आपसे अपील है वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल द न्यूज पीक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो के अंत में आपसे एक छोटी सी अपील। साथियों, अगर आपको द न्यूज पीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अम्बेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें और न्यूज पीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। QR कोड के अलावा आप UPI के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी UPI ID newsbeak@yesbank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज पीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358700000640, IFSC कोड है YesB000235, बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें। टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।